द्वितीय उपदेश श्री सतगुरु महिमा। लेखक श्री स्वामी मुलखराज जी, प्रधान आचार्य देव योग साधन आश्रम ऋषिकेश छेहरटा आदि व प्रधान आचार्य योग अभ्यास आश्रम कनखल हरिद्वार आदि। सतगुरु की महिमा, यह विषय लेखनी के बाहर का विषय है। सत स्वरूप सतगुरु देव जी की जितनी महिमा की जाए सब थोड़ी है। जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषियों ने कहा है, सब पर्वत स्याही करूं घोरूं समुद्र मझाए, धरती का कागज करूं गुरु स्तुति न समाए। और ऐसा ही वेद आदि ग्रंथों में कहा है, यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वैश्रुतिः, मनसा वचसा चैव सर्वदाराधियेद गुरुम्। अर्थात सतगुरु से परे दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद ने सतगुरु को नेति नेति कहा है, इसलिए मन वचन कर्म से सदा सर्वदा श्री सतगुरु देव की पूजा आराधना करना कल्याणकारक है। आजकल का अज्ञानी संसार गुरु को मनुष्य मानता है, यह उसकी भूल है। गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए अंध, दुखी होत संसार में जम पड़ते के फंद। तीन गुण और पांच तत्व के बंधन से मुक्त हुआ श्री सत स्वरूप अपार अविनाशी में अभेद पद को प्राप्त हुआ योगी, जो तीन ऋण ताप दोष आदि से अज्ञान दुख सागर में गोते खाने वाले जीव को इससे निकालने या अपने वास्तविक दिव्य आत्म अपार सुख की प्राप्ति कराने में समर्थवान है, सतगुरु कहलाता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्षयम्, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम, भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। अर्थात ब्रह्म के स्वरूप आनंद रूप परम सुख के दाता केवल ज्ञान मूर्तिमय सुख व दुख आदि द्वंद्व से रहित आकाश तुल्य वेद के तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों के लक्ष्य रूप एक नित्य निर्मल स्थिर सर्व प्राणियों की बुद्धि के साक्षी रूप छह भाव विकारों से परे तीनों गुणों से रहित ऐसे श्री सद्गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे सतगुरुदेव जी की शरण होने वाला शिष्य श्री सतगुरुदेव जी की कृपा से दिव्य अविनाशी जीवन प्राप्त कर अपने तथा परिवार का कल्याण करता और संसार को भी सुख का दिव्य मार्ग दर्शाने में समर्थ होता है। शरीर परिवार सब लोग श्री प्रभु जी के ही हैं। इनको अपना हृदय से मान शुभ अशुभ कर्म करवाने वाला प्राणी नरक स्वर्ग आदि अनंत सृष्टियों से मृत्यु नदी के प्रवाह में प्रवाहित होता चला आ रहा है और तब तक ऐसे ही रहेगा जब तक महाराजा जनक, भक्त कबीर, राजा हरिश्चंद्र, श्री काक भुशुंडी और श्री महावीर जी तथा भक्तिमती मीरा, ब्रज बालिकाएं, लीला चुड़ाला, मर्यादा शकुंतला और अनुसूया की भांति दिव्य दृष्टि के दाता श्री सतगुरु भगवान की शरण आत्मसमर्पण श्रीमद भगवत गीता जी के निम्नलिखित कथनानुसार नहीं हो जाता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सर्व धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल भगवान के शरण हो जा। भगवान तुम्हें सब पापों से छुड़ाकर मुक्त कर देंगे। ऐसा करने वाले ही मोक्ष श्री भगवान में अभेद सुख को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। व्यापक पर ब्रह्म में अभेद रूप दिव्य दृष्टि के दाता श्री सद्गुरु देव जी को अपना आपा मन व अज्ञान को उपरोक्त भक्तों की भांति देने वाला जीव अपना परिवार तथा संसार का कल्याणकर्ता बन जाता है। यह व्यापार ऐसा है जैसे कि विष का सागर देकर अमृत का सागर लेना। यदि उपरोक्त वर्णन अनुसार पूर्व सत स्वरूप दिव्य दृष्टि के दाता सतगुरु मिल जाएं और उनके प्रति भक्त कबीर, राजा हरिश्चंद्र आदि की भांति शरण आत्मसमर्पण होने के लिए जो प्रयत्नशील नहीं होते तो उनको मंद भाग्य तथा मूर्ख ही कहना चाहिए। दूसरा उपदेश समाप्त।